सकते हैं ना आज हम वीडियो क्यों बनाए। चले गाइस आप मैं बताता हूँ वीडियो क्यों बनाए। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है, हमारी वीडियो को लाइक करा है, हमारे चैनल को हमारे वीडियो को शेयर करा है। अगर नहीं करा तो फौरन से कर दिएगा, और ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चले गाइस अब मैं आपको बताता हूँ क्यों वीडियो बना रहे हैं। ये है मेरा नया एनिमल वाला गेम, इसी को दिखाने के लिए मैं आज ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। चले गाइस अब मैं बताता हूँ इनको कैसे खेलते हैं। चले गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे खेलना। गाइस ये कार्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेम को कैसे खेलना, लेकिन मुझे पता है गेम को पहले। गाइस ये कार्ड है, हमें इसको अच्छी तरीके से 10 सेकंड के लिए पढ़ लेना। फिर यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ईशल से पूछता हूँ कि तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए, और ईशल कहे कि मुझे नंबर 2 चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी बैट्स आर शोन फ्लाइंग, और यहाँ पे 1 है। अगर ईशल बोलेगी कि मुझे 1 है, तो ईशल का जवाब सही हो जाएगा और वो उनको एक पॉइंट मिल जाएगा और उनको एक कार्ड मिल जाएगा। अगर ये जवाब गलत होगा तो ये कार्ड हम साइड में रख देंगे। चले गाइस अब हम इस गेम को शुरू करते हैं खेलना। गाइस आपको पता है ये माइंड गेम है, जितना आपका माइंड अच्छा शार्प चलेगा उतनी आप सही आंसर देंगे, और ये बहुत नॉलेज का गेम है। जैसे टीचर हमें वो चैप्टर देती है कि ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, और हम लोग जल्दी जल्दी याद करते हैं, फिर हम लोग टीचर्स को आंसर देते हैं जो टीचर पूछती है। चले गाइस अब हम गेम को खेलते हैं। गाइस ये कम से कम 2 लोगों का गेम है, ज्यादा से ज्यादा 10 भी हो जाते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मगर कम से कम 2 लोगों का गेम है, आप अकेले ये नहीं गेम खेल सकते। अब हमें ये गेम खेलना है, मुझे और ईशल को सिर्फ 5-5 कार्ड्स खेलने हैं, क्योंकि वैसे तो हमें सारे गेम्स खेलने हैं, सारे कार्ड्स खेलने हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा खेलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना। और दिखा है जिसके इस गेम में जिसके पास भी ज़्यादा कार्ड या ज़्यादा पॉइंट्स है वो इस गेम का विनर होगा। चलो ठीक है मुझे निकाल दो। हमें टाइमर सेट करना पड़ेगा। चलो हम टाइमर सेट करते हैं। चलें अब स्टार्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 देखती जाओ, सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलो मैं निकाल के देता हूँ तुम्हें, जल्दी निकालो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ये लो तुम्हारा जवाब। सही जवाब है गाइस, ये देखे गाइस अब हम दोनों के 1-1 पॉइंट्स हो गए हैं। ये तो चले गाइस अब हम ईशल को मुझे निकाल दिए। हाँ चलो मैं से ये निकाल कर दूंगी। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यस बोला था ना, तो आप चलो देखती जाओ सारे सवाल सही हो जाएंगे। चलो मेरे भी होंगे ऐसे।
साउथ अमेरिका। सही जवाब है। चलिए जो है ना, मैंने जब इसी जब भी टाइम ओवर ही होने वाला था जब भी मैंने ये पढ़ा था। चलो तुम मुझे निकाल के दो। Question number 2. Are these animals found in South America? And this is the correct answer again. These are found in South Asia. Chalo. Now give me a math minute. बहुत एक्साइटेड हमेशा जीतती हूँ मैं। अच्छा ये पहले टाइम लगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ए चिमनी कैन लिफ्ट देयर ओन हेड। यस हां सही जवाब है। चलो अब तो मुझे निकाल। हां अब मैं फिर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें निकाल दूंगी। Now your time starts now. And time's up. Number 3. Are these animals injured? No. And your answer is correct. जब ये देखा ना रेनडियर को देख रहा था तभी मैंने देख लिया था। चलो गाइस अब हमारे लास्ट क्वेश्चन रहते हैं। ईशल के मैं 3 रहते हैं और मेरे 4 के 4 सही हैं। अगर ईशल ने सही जवाब दे दिया और मैंने गलत जवाब दिया तो ये दोनों टाई हो जाएंगे। ठीक है चलो ईशल अब खोजते हैं। How many of the aardvark's feet are on the ground? 4. And this is the correct answer. Yes. अब देखते हैं तुम्हारा। ये How many eggs are shown? 2. Yeah, it's 3. ये गलत जवाब है। तुमने पहली बार ही तो सही जवाब दिया था ना और ये जवाब सिर्फ एक ही बार दिया था। सर और ये देखेंगे ये 3 है। अब देखते हैं गाइस। अब 5 में 5 की 5 सही और तुम्हारी ईशल 3। इसका मतलब मैं जीत गया। देखा ईशल मैंने कहा था ना मैं जीतूंगा इस गेम को। देखा और मैं सच में जीत गया। चलो नेक्स्ट गेम अगर हम लोग आपको खाएंगे तो गेम में मैं जीत।
हाँ गाइस सच बताइएगा आपको मेरा गेम अच्छा लगा, बहुत मजा आया ना इस गेम में। अगर आपको मेरे गेम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब बाय बोलने का टाइम आ चुका है। ओके बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बाय।